What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 2 सितंबर 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:38 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा महीने के पहले ही दिन निफ्टी ने एक बार फिर से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूवमेंट दिखाया, लेकिन जो बेयरिश कैंडल था, रेड कैंडल बनी थी, 200 पॉइंट की गिरावट थी 3 दिन पहले, उसका हाई नहीं ब्रेक कर पाया। तो आज के इंट्राडे लेवल्स होंगे ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। यह कल का पिक्चर है, यानी 1 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 13,033 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,900। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स शुरू में तो गैप अप ओपन हुआ और जहां पर फर्स्ट टारगेट था उसी के जस्ट ऊपर ओपन हुआ और टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया। तो शुरू में तो यहां पर कोई ट्रेंड नहीं बनता, और जैसे ही यहाँ से टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ फिर से ये मूव होने लगा, 145 डिग्री में पूरे दिन ये मूव हो रहा था। तो यहाँ से जब भी इसने फर्स्ट टाइम ये ब्रेकडाउन लेवल ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, तो फर्स्ट टारगेट 13,050 यहाँ पर अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 13,074 ये भी अचीव हुआ। काफ़ी देर इस लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, और जैसे ही ये लेवल भी ब्रेक हुआ कम्फर्टेबली और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये ऊपर की तरफ मूव हुआ और ऑलमोस्ट 13,109 यानी 100 के ऊपर ये आके क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते क्विकली। कल अमेरिकी बाजार में भी शानदार तेजी देखने को मिली थी। नासडैक करीब 150 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए थे, लेकिन आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो फ्लैट नोट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 130 पॉइंट की गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल थोड़ा सा एक वीकनेस ग्लोबल बाजार में यानी एशियाई बाजारों में इस समय देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था इस तरह से, ये लो हाई और ये लो को पकड़ के। तो अभी देख सकते हैं आप 13,072 यानी ऑलमोस्ट 100 के पास ये एक हर्डल फेस कर सकता है। यहाँ पर लास्ट वीक डोजी बनाया था यानी इनडिसिजिव पैटर्न, ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। अगर इसके इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से हमें निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स 13,777 के पास मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। हालांकि अभी इस समय ओवरबॉट जोन में निफ्टी इंडेक्स पहुँच रहा है, तो यहाँ पर जैसे लास्ट वीक इसने फेल्यूर दिखाया था, इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया था और आके डोजी कैंडल बनाया यानी जहाँ पर ओपन हुआ था उसी के पास आके क्लोज हुआ था, तो वीकनेस यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल सकता है। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो डेली चार्ट में यहाँ पर कल हमने RSI डाइवर्जेंस की बात की थी, अभी भी RSI यहाँ पर हायर हाइज नहीं बना रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन अभी ये जो रेड कैंडल है ये आने के बाद 3 बार ये ऊपर गया। हमने सेम पैटर्न देखा था पास्ट में भी, यहाँ पर रेड कैंडल बना और कुछ दिन यहाँ से 3-4 दिन ऊपर की तरफ निफ्टी इंडेक्स बाउंस बैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आया। और एक अगर एग्जाम्पल देखें तो ये भी देख सकते हैं, रेड कैंडल बना उसके बाद 3 दिन ये ऊपर की तरफ आया और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ आया। तो जब तक ये जो रेड कैंडल है इसका हाई कंफर्टेबली ये ब्रेक नहीं करता, यानी इसका ये जो हाई बन रहा है यहाँ पर, ये जब तक ब्रेक नहीं करता, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मूव आ सकती है, इसका कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। तो अभी भी ये बियरिश कैंडल का इम्पैक्ट यहाँ पर मौजूद है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो फिलहाल इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है, और जब तक ये हाई ब्रेक ना हो तब तक यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का हाई यानी देखे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास है, तो ये जो ऑल टाइम हाई है 13,144 इसको अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,163, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा
13,178 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। ये जो स्विंग हाई लो मिल रहा है इसको फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल ड्रॉ करके हम ये आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटीज होगा ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो फर्स्ट जो हर्डल होगा सपोर्ट का ये पिवट पॉइंट का होगा जहाँ पर कुछ दिनों पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो 13,064 के नीचे अगर आ जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,049। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,031। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।